एक के बीच में 20 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए, संख्या बढ़ भी सकती है। क्या कुछ दिखता है सर मौजूदा हालात में? बहुत दुख की बात है, शर्मनाक भी है कि हमारे जवान शहीद हो गए। कहाँ पर खामी हुई इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहादुर जाबाज सिपाही वर्ल्ड में इनका बहुत बड़ा नाम है, हैंड टू हैंड फाइट में। वे कैसे उनके साथ इतनी बर्बरता से आर्मी पेश आई, चाइनीज आर्मी, और इतनी बड़ी कैजुअल्टी हो गई। उनके परिवार को, उनके परिवार के लोगों को मेरा बहुत बहुत नमन, और सरकार से ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, मांग करते हैं कि वो इसमें इस मामले को गंभीरता से लें, और बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि ये चाइनीज लोगों को का हौसला इससे बढ़ेगा, और उनकी जो है नापाक ख्वाहिश है उसको आगे करने में वो लोग और उत्साहित होंगे। तो ये समय आ गया है कि हम उनको जो है करारा जवाब दें, जैसे भी हो, डिप्लोमेटिक है आर्मी। हाँ, ये बात सही है कि लड़ाई कोई भी नहीं चाहता है, तो खुद लड़ाई नहीं करें, लेकिन जैसा वो लोग कर जैसा वो लोग बिहेव किए हैं उसका तो जवाब हम लोग दे ही सकते हैं। झटका तो उसको लगना चाहिए। सोच सकते हैं, जब कोरोना की बीमारी जब हुई तो इतना बड़ा वो हॉस्पिटल खड़ा कर लिया कितने दिनों में। तो सक्षम तो है ही है, आर्थिक रूप से सक्षम है। और हम लोग अगर कोई अच्छा काम करता है तो सबसे पहले उसका नुक्स निकलता है। अच्छे जो काम करते हैं, अच्छाई बुराई तो सब में होती है। क्या मैडम, चाइनीज प्रोडक्ट को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ताकि उसकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ा टूटे। वो टूटेगा तभी वो संभलेगा, क्योंकि वो तो बहुत सस्ते में सारी चीज़ बेचता है। और कैसे बनाता है, क्या करता है, वो तो आप मोबाइल में देखते ही हो आप लोग। तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगी। बड़ा मार्केट भी हाँ, है चाइना का बहुत बड़ा, हर एक जगह है। बिना गुड़ी जाइए, एक चाइना का मार्केट ही है पूरा, सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पे, लोग खरीदते हैं क्योंकि सस्ता और अच्छा चीज़ है। बाइकॉट। हाँ, उसको तो बायकॉट सबसे पहले करना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे जितने मिनिस्टर हैं, जो आपके अमित शाह हैं, मोदी जी हैं, वो तो चाहते हैं कि भाई लड़ाई नहीं हो, जंग होने से कोई फायदा तो है नहीं, नुकसान दोनों ही तरफ से है, दोनों को ही झेलना है। हम लोग ज़्यादा झेलेंगे, वो कम झेलेंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादा झेलेंगे। और जिसका जिसके घर से जिसका सब कूद जाता है, उसका दर्द शायद जो दर्द से भींगा हुआ वही दर्द जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। और मैं क्या ठीक है, बताऊंगा, और मैं सोचती हूँ जिसका लाल गया है इस बार क्या हालत होगा। मैं ही समझ सकती हूँ, एक दुखिया ही एक दुखी का दर्द समझ सकता है। अब मैं चाहती हूँ कि अब ये घटना बंद होनी चाहिए। कितने लोग जाएंगे, कितने सपूत कुर्बान होगा देश के लिए, बताइए आप। और क्या बोल सकते हैं, और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान भी पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है कि उन लोगों को कोई असर ही नहीं है, गोलाबारी चली रही है, लोग मर रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इंडिया को पड़ता है, इंडिया के एक भी जवान अगर जाता है तो बहुत फर्क पड़ता है।
और मैंने तो अपना बेटा खोया है, हमारे बेटे के चलते उसका सीईओ जो थे उसे बहुत प्यार करते, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि हम मैं संकल्प को कहीं भुला नहीं सकता, और संकल्प ने जो काम किया है उस हिसाब से मैं नहीं रह सकता। और संकल्प ऐसा लड़का था कि उसे 10-12 अवार्ड पहले ही मिल चुका था। वो बाहर गए तो वहाँ भी वो अवार्डेड थे, लेकिन वो कभी बताते नहीं थे। जब उनकी सर्विस बुक आई तो पता चला कि तो इतना अवार्डेड लड़का है, और उसमें देश का बहुत बड़ा जज्बा। वो जब भी घर आता था तो हमेशा कनेक्ट अपने फौज से, अपने ऑफिस से कनेक्टेड रहता था। वो पूरा समाचार उसको मिलता रहता था, वो करता रहता था। तो चीन के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं चीन का बना हुआ चीज़ बहिष्कार कीजिए, वो तो सबसे पहले होना चाहिए।